नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। 5 नवंबर को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम यही पता ही हवाई अड्डे पर होने वाला है, जहां तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। वही आपको बताते चले कि ठीक इसके सामने ही जदयू के द्वारा जो है सद्बुद्धि हवन किया गया है। वही जिलाध्यक्ष, महानगर जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार हमारे साथ है। क्या कुछ आज जिला कार्यक्रम किया गया है? मैं हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी चुनाव पताही हवाई अड्डे से 2019 में शंखनाद किए थे कि पताही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। आज 5 वर्ष बीत जाने पर भी यह एयरपोर्ट का उनको याद नहीं आया, जब चुनाव सर पे है, देश के गृह मंत्री जी फिर यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करने आ रहे हैं। तो हम लोग अब देश के प्रधानमंत्री जी का वादा था जो पूरा नहीं हुआ, जो मुजफ्फरपुर वैशाली समेत उत्तर बिहार के लोगों के मन में जो एक भारी उमंग था, एक उत्साह था 2019 में कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि पताही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, जो उन्होंने चालू नहीं करवा पाया, आज निराशा की स्थिति है। तो हम लोग भगवान के शरण में आए हैं, सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं और हम लोग यही याचना कर रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा कीजिए और तारीख बता दीजिए कि किस दिन पताही से प्लेन उड़ेगा, लोगों को ये सुविधा शुरू हो जाएगी, मुजफ्फरपुर समेत वैशाली समेत उत्तर बिहार के लोगों को ये सौगात कब मिलेगा, वो तारीख बता दीजिए। 5 सालों में आपने नहीं किया, आपका इरादे ठीक नहीं है। आप चूंकि बिहार में आपकी सरकार और सत्ता नहीं है, महागठबंधन की सरकार है, आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में विकास का एक भी धारा बहे, केंद्र सरकार के द्वारा दी जाए। क्या लगता है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यह पताही हवाई अड्डा को चालू कराया जाएगा? इसका एग्जाम्पल मुझे आपको आज पूछना नहीं चाहिए था, यह विगत कल हो चुका। कल इस बिहार में 1,20,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बांट करके यह साबित कर दिया कि केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसके जगह पे उन्होंने क्या किया और हमने नियुक्ति पत्र बांट दिया। हम 7 दिसंबर को पुनः फिर BPSC एग्जाम ले रही है, फिर 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब बताइए, एक तरफ हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, एक तरफ हम लोग सड़कों का जाल बना रहे हैं, एक तरफ हम लोग नल जल जैसी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग महिला आरक्षण को देने का काम किए। हम लोग हर चीज़ जो हमारे नेता बोलते हैं बिहार में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिए। आप तो 2019 में इसी बात का तो दुख है कि देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, तो अब हम लोग किसके पास जाएंगे? अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी का किया हुआ वादा था इसी पताही के एयरपोर्ट के मैदान से, तो अब हम लोग भगवान के ही। भाजपा द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि TRP के लिए आंकड़ों का ख्याल किया जा रहा है। वही जो है जो BPSC का एग्जाम हुआ उसमें बड़ी फर्जीवाड़ा किया गया, धांधली का आरोप है। बड़ा गजब बात करते हैं, नौकरी दें तो फर्जीवाड़ा, रोड बनाएं, मतलब वो कुछ भी नहीं करे तो सब कुछ ठीक। हम लोग सारा चीज करें जनता के लिए, जो भी कुछ आज बिहार में आप देख रहे हैं वो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया हुआ। आप इसी बिहार के रहने वाले हैं, इसी जिला के आप रहने वाले हैं, आप बताइए कि आज यहाँ जो भी कुछ है, ये सड़क से लेके बिजली पानी जो भी कुछ है, ये माननीय नेता श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है, ये दूसरे किसी के द्वारा नहीं किया गया। जो नेता बोलते हैं, माननीय नेता जो बोलते हैं वो बिहार में करके उन्होंने दिखाया है इन लोगों के तरह। यही तो हम आज पूछना चाहते हैं कि क्या फिर ये भी जुमला था 19 का, चूँकि 5 साल में तो आप किए नहीं, 2 महीने में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूँकि आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ अगर पताही हवाई अड्डा अगर चालू हो जाता है तो क्या लगता है यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा? आपको नहीं लगता है कितना बड़ा, अगर एक यातायात की इतनी बड़ी सुविधा, जैसे ही एयरपोर्ट का शुभारम्भ होगा तो स्वाभाविक है कि मुजफ्फरपुर नहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर वैशाली समेत उत्तर बिहार, इसमें सीतामढ़ी शिवहर से लेकर के मोतिहारी से लेकर तमाम लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। आपको, आप भी यहीं के हैं, आप दिखाइए, आप लोकतंत्र के 4th स्तंभ हैं, आप बताइए कि क्या होगा, यहाँ का नज़ारा कैसा होगा। आज अगर यहाँ पताही एयरपोर्ट खुला रहता तो क्या ऐसा नज़ारा रहता कि यह नज़ारा कुछ और रहता? आप 19 में वादा किए थे, इसी बात का तो अफसोस है। तो अब हम लोग किसके पास जाएं मांगने?
हम लोग विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं, हम लोग विशेष पैकेज मांग रहे हैं, बोलते बोलते थक गए, आप नहीं दे रहे हैं। दरभंगा में ज़मीन दे दिया गया एम्स के लिए, अब आपको ज़मीन पसंद नहीं, अरे करने का इरादा नहीं है। मूल चीज़ पे आइए कि आप बिहार में करने का इरादा नहीं रखते हैं, ये मूल चीज़ है। देखिए तो इस समय जो मुजफ्फरपुर जिला जज के महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार जी थे, जो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी लगातार जुमलेबाजी की जा रही है वही हवाई अड्डा अब जनसभा का एक स्थल बन चुका है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के देखते रहिए मुजफ्फरपुर। भव्य बजाज लेकर आया है बुकिंग महोत्सव, जहां हर खरीद पर मिलेगा फ्री हेलमेट और स्क्रैच कूपन द्वारा सुनिश्चित उपहार। हमारा पता है 0 माइल रहुआ भैरव स्थान और आई मुजफ्फरपुर। हमारा संपर्क सूत्र है 7070190501, 7070190502, 90311 29 888।